हे एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल सो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे सो गाइज आई एम बैक विथ न्यू एंड अदर कुकिंग वीडियो विच इज़ वेज पोहा रेसिपी एंड डोंट वरी गाइज़ ये पोहा देखने में जितना ही टेस्टी है बनाने में उतना ही ईजी है सो विदाउट टेकिंग यू मोर टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो तो वेज पोहा बनाने के लिए हमें वेजिस में चाहिए सम चॉप्ड कैरट अनियन ग्रीन पी सम चॉप्ड टोमेटो एंड सम चॉप्ड कली एंड देन ग्रीन चिलीज सो so, वेज़ में हम इन सारी वेजिटेबल का यूज़ कर रहे हैं एंड देन हम मसाले में चाहिए हमें एवरेस्ट का मीट मसाला एंड देन मैगी मसाला इमेजिक एंड हमें एक चम्मच चाहिए अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट एंड इसके बाद हमें दो कप चाहिए पोहा फ्लैटन रईस एंड इसको हम लोग क्या करेंगे पहले वॉश कर लेंगे वॉश करके हम इसे पाँच मिनट के लिए ऐसे रख देंगे ताकि इसमें जो भी वाटर होगा वो इसे एब्जॉर्व कर सॉफ्ट हो जाए सो so, इसके बाद हम एक कढ़ाई को गर्म करेंगे और उसमें दो या तीन चम्मच ऑयल डालेंगे ऑयल डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से गर्म होने देंगे सो so, अभी हमारा ऑयल गर्म हो चुका है तब मैं इसमें अपनी हरी मिर्च डालूंगी और उसे हल्का सा थोड़ी देर के लिए सॉटे करूंगी बिल्कुल हल्का सा इसके बाद हम इसमें अपने अनियन डालेंगे और अनियन डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए सॉटे करेंगे तब तक जब तक कि ये थोड़ा सा लाइट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए सो so, जब हमारा अनियन का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तब हम इसमें अपने हरे मटर को डालेंगे और याद रखें कि हमें मटर को प्याज के साथ ही डालकर सौटे करना है ताकि अच्छी तरह से कुक हो जाए सो so, मटर डालने के बाद अब हम इसमें अपने गाजर को ऐड कर देंगे और फिर कली फ्लावर एंड सारी वेजेस को अच्छी तरह से मिक्स कर कर थोड़ी देर के लिए सौटे करेंगे लगभग सारे वेजेस को हमें तीन मिनट तक मीडियम फ्लेम पर सौटे करना है इसके बाद हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट डालेंगे एंड मिक्स कर कर फिर हम दो मिनट तक अच्छी तरह से अपनी वेजीज को सॉटे करेंगे सो so, दो मिनट बाद हम हम इसमें अपने कटे हुए टमाटर को ऐड करेंगे और टमाटर ऐड करने के बाद हम सारे वेजिटेबल्स को वन मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे इसके बाद हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर एक पूरा छोटा चम्मच अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट एंड एक छोटा चम्मच एवरेस्ट का मीट मसाला एंड देन एक छोटा चम्मच मैगी मसाला इमेजिक एंड देन फिर इसके बाद हमें ड्राई फ्रूट्स में किशमिश ऐड करेंगे बिकॉज ये बहुत ही अच्छा स्वीटनेस देता है हमारे पोहे के अंदर एंड देन सारी चीज़ों को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर कर हमें फिलहाल इन सारी चीज़ों को एक मिनट तक हाई फ्लेम पर कुक करेंगे सो फ्रेंड्स ना हमारे वेजेस जो है वो अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं अब हम इसमें अपने फ्लैट एंड राइस डालेंगे और इसको डालने के बाद हम स्पैचुला की हेल्प से इसे मिक्स कर लेंगे सारे वेजिटेबल्स में और मिक्स करने के बाद फ़िलहाल मैं इसे दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करना है ज़्यादा नहीं कुक करना है सो so फ्रेंड्स अब हमारा पोहा जो है वो बिल्कुल रेडी है अब हम इसके गैस के फ्लेम को ऑफ़ करेंगे एंड उसके ऊपर से डालेंगे रोस्टेड पीनट एंड देन इसके बाद चॉप धनिया पत्ता एंड ये सब डालने के बाद हम इसे ढक कर एक मिनट तक ऐसे ही रख देना है सो so, एक मिनट बाद हमारा जो वेज पोहा है वो बिल्कुल रेडी है सब करने के लिए एंड अब देख रहे हैं ना गाइज़ ये देखने में कितना टैम्पटिंग और टेस्टी लग रहा है और बनाने में उतना ईजी था सो so गाइज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो कुछ भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना एंड मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगे एंड वो लोग ज़रूर कॉमेंट करें जिनका पोहा बहुत ही फेवरेट है